नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश्व त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है और कहीं ना कहीं आपके कई अनुमान इस लोकसभा चुनाव में सही भी साबित हुए हैं। नमस्कार अंकित जी, धन्यवाद। सर, नए सरकार का गठन हो गया है लेकिन कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। 2014 और 2019 की तुलना में देखें तो इस बार भाजपा को बहुमत नहीं आई है। ऐसे में जो हर तरफ सवाल चर्चाओं में है वो ये है कि क्या मोदी सरकार 3.0 पांच सालों तक चल पाएगी, इसको लेकर भविष्यवाणी आप क्या कर सकते हैं? जी, आपने अंकित एक बहुत विस्तृत विषय मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये तो पूरा एक विषय है। इसके ऊपर हमें थोड़ा डिटेल में, मैं फिर से आपसे अनुमति मांगूंगा, थोड़ा हमें बिल्कुल, डिटेल बिल्कुल, में अनुमति इसके ऊपर चर्चा करनी होगी। इसी प्रश्न का जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे अभी, तो इसी में कुछ और प्रश्न भी आएंगे, कुछ जियोपॉलिटिकल प्रश्न भी उत्पन्न होंगे, कुछ राजनीतिक प्रश्न भी उत्पन्न होंगे, उनके ऊपर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज इसको हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं कि आप और मैं चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तरी नहीं रखते, चर्चा रखते हैं इसको। तो देखिए अंकित जी, सबसे पहले मैं हमारे पाठकों का, जो हमें सुनने वाले हैं आज, हमें पाठक बोलने की आदत है सर, क्योंकि हम पंचांग लिखते आ रहे हैं, अब वो यूट्यूब पे आ गए, पर हमारे जो मित्रगण हैं, दर्शक जो हैं हमारे, मैं आप लोगों का, आप सबका ध्यान एक मूलभूत प्रश्न के ऊपर लेना चाहूंगा। देखिए, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूं नहीं, ना ही मेरा कोई एनालिसिस या कंसल्टिंग या एडवाइजरी के क्षेत्र में कोई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कोई सामान्य सिविलियन हूं जो ज्योतिष को समझता हूं। तो यहां सबसे पहले हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि ज्योतिष क्या है। देखिए जी, ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति हुई है ज्योत और ईश की संधि से। ज्योतिष वह पद्धति है, वह ज्ञान है, वह विज्ञान है जिससे हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीकता से पता चल जाता है। क्या ज्योतिष कर्म सिद्धांत पर आधारित है या किस्मतवाद पर आधारित है? ज्योतिष कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आज जो घटित हो रहा है वो इसलिए क्योंकि पीछे कुछ कर्म हुए थे, आज जो कर्म होंगे इसके कारण आगे जो होगा वो घटित होगा। ज्योतिष तो उस टॉर्च की तरह है जो अंधेरे में आपको मार्गदर्शन देता है ताकि आप अपने गंतव्य की तरफ एक अच्छे प्रोडक्टिव रास्ते से चल पाए। होगा वही जो आप कर्म करेंगे। ज्योतिष वो शास्त्र है जिससे हम भविष्य के बारे में सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि यदि आज आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में ऐसा 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 होगा, क्योंकि पीछे ऐसा 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 हुआ है इसलिए आज ये घटित होना है, यहाँ पे आपके समक्ष ये ऑप्शन आएंगी, इस पे यदि आप ये करते हैं तो ऐसा 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 होगा, इसमें यदि आप ये करते हैं तो ऐसा 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 होगा, ये एक प्लानर होता है। अब इसको हम ज्योतिष को जब हम एक प्लानर की तरह, एक जिसे हम कहते हैं ना कि प्लानर, एक मिनट दीजिए मुझे, हम ज्योतिष को जब एक प्लानर की तरह देखें ना कि एक ओरेकल बॉल की तरह, तो इसकी प्रोडक्टिविटी, उपयोगिता हमारे सामने आएगी, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों 5,000-50,000 साल से ज्योतिष निरंतर चला आ रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सर्विस सेक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब। अब आप इसमें देखें, संवत 2023 ईस्वी का जो विश्व विजय पंचांग था, इसमें कुछ स्पष्ट संकेत दिए गए थे। मैं पाठकों का ध्यान 62 पृष्ठ पर ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक विस्तृत लेख दिया गया है जहां पर श्रीमान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग और उसके बाद क्या हुआ का भी थोड़ा उल्लेख किया और कुछ संकेत दिए गए कि अब हम 2024 में चुनाव की ओर जाएंगे तो ऐसा 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 करें। इस वर्ष का पंचांग जो जनवरी फरवरी में प्रकाशित हुआ था उसमें भी कुछ स्पष्ट संकेत दिए गए थे। अब जो हुआ सो हुआ, हमें ना निराशावादी होना चाहिए ना आशावादी होना चाहिए, हमें प्रत्यक्षवादी होना चाहिए, जो प्रत्यक्ष है उसका आकलन करें। अब देखिए जी, 2014 में भाजपा को जनादेश मिला, ऐतिहासिक जनादेश मिला,
फिर 2014 से 2019 तक भाजपा ने एक दिशा में कार्य किया। उस दिशा में जो कार्य हुआ उसके आशीर्वाद स्वरूप 2019 में और भी बड़ा जनादेश मिला। फिर अगस्त सितंबर 2019 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो जनादेश में वो दिख गए। अब आगे क्या करना है? अब आते हैं हम सबसे पहले शपथकालीन कुंडली के ऊपर। देखिए जी, यहाँ पर एक एकेडमिक पॉइंट भी मैं रखना चाहूंगा, और थोड़ा कुछ ज्योतिषियों को भी, हमारे जो भाई हैं उनको भी मैं यहाँ पे एक अपना अपनी छोटी सी बुद्धि से, छोटी सी मति से एक परामर्श देना चाहूंगा कि जब जन्म हो जाता है उसके पश्चात कुंडली बनती है, उसके पश्चात लग्न बनता है। देखने में आया कई ज्योतिषियों ने पहले 8 तारीख का, 7 तारीख का, किसी ने 6 बजे का, किसी ने 5 बजे का कुंडली बनाकर प्रस्तुत कर दिया। आकलन ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई 7:23-24 शाम। पहली चीज तो मैं यहाँ पे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस दिन श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, इतना शुभ दिन है ये। महाराणा प्रताप जी की जयंती के दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। उसके पश्चात जो बिग फोर हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनमें स्टेटस क्वो रहा, उनमें कंटिन्यूटी रही, जो एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय संकेत है। इसके कारण अब जो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी की कुंडली बनी है, ये तो कंटिन्यूटी के अंदर आ गई, तो इसका कितना महत्व है कितना नहीं, ये एक अकेडमिक विषय है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए कुंडली का आकलन कर लेने से पहले। अब हम शपथकालीन कुंडली को माननीय मोदी जी की, श्रीमान अमित शाह जी की कुंडली को, श्रीमान राजनाथ सिंह जी की कुंडली को, और भाजपा के कुछ जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं इनकी जन्म कुंडलियों का अगर हम अध्ययन करें, तो अब जो आने वाला समय है ये तो अंकित जी कठिन है। अभी से लेकर अगस्त तक तनाव बना रहेगा। अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः यश को भोगेंगे, एक उत्साह को अनुभव करेंगे। यहाँ पर आपका ध्यान मैं इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जो कहा गया है उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। ये अप्रैल सन 2024 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, जीवन शैली एवं रणनीति में शुभ बदलाव दिखाई देंगे। जून जुलाई में आंशिक तनाव के संकेत हैं, जो भी हमें दृश्य हो रहा है। आंशिक स्वास्थ्य पीड़ा के लिए भी अशुभ योगा योग उत्पन्न हो रहे हैं, फिर इसके ऊपर कुछ व्याख्यान है। श्रीमान मोदी जी को अपने कुछ प्रगाढ़ मित्रों से, बंधु बांधवों के विषय में चिंता के अवसर आ सकते हैं। न्यायपालिका से मतभेद मुखर होने की भी संभावना रहेगी। उचित संवैधानिक तथा न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए साहसिक निर्णय देश हित में कर सकते हैं। अगस्त 2024 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री को यश एवं जय प्राप्ति होगी। सितंबर अक्टूबर 2024 में आंतरिक एवं राजनीतिक कारणों से कुछ अप्रिय अनुभव हो सकते हैं। दीपावली 2024 आते आते प्रधानमंत्री जी पुनः उत्साह अनुभव करेंगे। विश्व राजनीति पर श्रीमान मोदी जी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। इस समय अवधि में कदाचित भारत के प्रधानमंत्री विश्व परिदृश्य पर सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। जनवरी 2025 ईस्वी में संगठन तथा जनसमूह का अभूतपूर्व प्रेम भी इन्हें प्राप्त होगा। फरवरी मार्च 2025 ईस्वी में असमंजस्य एवं अनिश्चितता के भाव पुनः उजागर होंगे। मंगल के स्वभाव में रहकर शनि प्रिय कर्तव्य ही आपको मार्गदर्शन देगा। यहां पर अब मैं इसके ऊपर, वैसे तो बहुत कुछ क्लियर हो ही जाना चाहिए, यहाँ पर एक बहुत प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति रह गई। महर्षि शुक्राचार्य का अनुसरण करें, महर्षि शुक्राचार्य उनका अनुसरण करें। शनि स्वभाव से संत, न्यायप्रिय, विरक्त स्वभाव का ग्रह है, इस पर ध्यान दें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा आसान शब्दों में अगर कहूँ, सरल शब्दों में कहूँ, तो अगस्त में थोड़ा बढ़िया होगा, इसके बाद अक्टूबर नवंबर में पुनः चिंता आ जाती है, फिर थोड़ा 2-3 महीने बढ़िया रहता है, उसके बाद फरवरी उपरांत पुनः गठबंधन सरकार के लिए चिंता के
विषय प्रस्तुत होते रहेंगे, यही श्रृंखला चलती रहेगी आने वाले वर्षों तक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पीछे प्रज्ञा अपराध हुआ, प्रज्ञा अपराध हुआ तो उसका फल अब मिला। प्रज्ञा अपराध क्या हुआ वो बहुत लंबा विषय है और वो मुख्यतः एक राजनीतिक विषय है। मैं एक ज्योतिषी हूँ और क्योंकि आप मुझे यहाँ आमंत्रित करते हैं ज्योतिषी होने के नाते, इसलिए राजनीतिक टिप्पणी करना मुझे क्षोभा नहीं देता। परंतु क्या क्या राजनीतिक गलतियां हुई, वो उदयपुर की गलती थी, वो सीज फायर वायलेशन की गलती थी, वो एक जो ब्रांड गांधी के साथ समीपता दिखाई जाती है उसकी गलती थी, या फिर मंडल कमीशन के जिनके ऊपर बात करने की गलती थी वो क्या थी, वो तो आपके पास बहुत अच्छा खासा राजनीतिक विश्लेषकों का एक ज्ञानी सज्जनों का समूह होगा, उसके ऊपर आप इस पे चर्चा कराएं। ज्योतिषीय मत तो ये है कि प्रज्ञा अपराध हुआ, प्रज्ञा अपराध का फल अब हमें मिला, अब जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार भविष्य निर्धारित होगा। अब ज्योतिष में हम बहुत सारी संभावनाओं की बात करते हैं कि अब अगर शीर्ष नेतृत्व देश का ऐसे 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 करता है तो ये होगा, प्रोज एंड कॉन्स ये होंगे, ये ट्रेजेक्टरी आएगी, यहाँ ऐसे ऐसे निर्णय लेता है तो ये होगा, ये करने में वो सक्षम होंगे, ये करने में सक्षम नहीं होंगे, यहाँ परिस्थितियां अनुकूल होंगी, यहाँ परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। इस प्रकार से हम ज्योतिष में गणितज्ञ विश्लेषण करते हैं। इस अब ये बहुत डिटेल विश्लेषण जाता है, वो तो अभी हम आपके शो पे करने बैठे हैं कि तो सुबह हो जाएगी, तो मैं उसका एक छोटा सा आपको इन्फ्रेंस बताता हूँ। अटपटी बात लगेगी, अजीब बात लगेगी, पर यही ज्योतिष है। स्थिरता या तो भारत सरकार में रहेगी या रावलपिंडी में रहेगी। रावलपिंडी और भारत सरकार एक साथ अब स्थिरता के भाव को नहीं भोग सकते, एक को गिरना होगा। अब यहां पे हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या करता है ये मैं शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ देता हूं, उनके शुभ चिंतन के ऊपर छोड़ देता हूं। ज्योतिषीय संकेत तो यही है कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी एवं भारतवर्ष को मंगल के गुण धारण कर अस्त्र संचालन अथवा मोबिलाइजेशन की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। अब युद्ध अवश्यंभावी है, हमारे बॉर्डर सीमावर्ती प्रांत युद्धाग्नि से जल उठेंगे, हमें भयंकर युद्ध करना होगा। गत वर्ष इसराइल के समक्ष एक ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत हुई, अशुभ परिस्थिति प्रस्तुत हुई, जिसके कारण इसराइल को सैन्य संचालन कर युद्धाग्नि का आवाहन करना पड़ा, जिसके कारण बहुत कुछ बदलेगा, दुनिया में बदलने लग गया है, बदल जाएगा। उससे पिछले वर्ष 2022 में ऐसा ही एक अवसर रूस के सामने प्रस्तुत हुआ था, रूस ने भी युद्धाग्नि का आवाहन कर विश्व परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वर्ष यह आर्य सौभाग्य भारतवर्ष के सामने प्रस्तुत होगा यदि हमारा नेतृत्व आर्य गुण धारण कर भगवान परशुराम का स्मरण कर अपना कर्म करें तो उन्हें यश प्राप्त होगा। यह अंतिम अवसर है, यह अवसर जब बीत जाएगा, समय का पहिया घूम जाएगा, वहां यदि आपका कर्म अभाव रहा तो अब आप अपयश भोगेंगे, असंतोष प्राप्त करेंगे एवं पतन को भोगेंगे। लेकिन सर, जो हमारा मूल सवाल था ये तो आपने बता दिया, इस पे और विस्तृत आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत किसी युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सर, जो मूल सवाल था कि मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी या नहीं करेगी? कंडीशनल है सर, रावलपिंडी गिर गया तो करेगी अथवा नहीं करेगी। ठीक है, कर्म करना पड़ेगा 5 साल पूरा करने के लिए, वो कर्म अब रावलपिंडी में लगेगा। यदि वो कर्म हो गया तो सरकार स्थिर रहेगी, नहीं तो ये 5 साल नहीं चल पाएगी। ठीक, यदि हम ओथ टेकिंग सेरेमनी की कुंडली को देखें तो वहां पे बुध और शुक्र लग्न पे अति अशुभ दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु शुभ है परंतु पूर्ण मारक है और लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, लग्नेश छठे भाव में चला गया मंगल। थोड़ी बहुत भी ज्योतिष की किसी को समझ होगी तो वो समझ जाएगा कि अब क्या करना है। बिल्कुल, लेकिन सर क्योंकि आपने पूरा का पूरा ये रावलपिंडी पे छोड़ दिया है, तो सर अगला सवाल यही है कि जैसा कि हम लोगों को एक आदत हो गया है, मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में हमने देखा किस तरीके से सरकार ने कई मजबूत फैसले लिए हैं और लगा कि हाँ मजबूती के साथ सरकार चल रही है, क्या इस बार ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी?
मोदी एक बार फिर से उतने ही मजबूत हैं या फिर इस बार की सरकार कमजोर साबित होगी? परिपेक्ष में हम इंटरनल किसी पॉलिसी, निर्णय की पॉलिसीज के आर्थिक परिपेक्ष में? निर्णय, आर्थिक निर्णय की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक निर्णयों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, किस प्रकार के निर्णयों की हम बात कर रहे हैं? नहीं, सारे एक गवर्नमेंट के निर्णय जो भी होते हैं उस हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं ना कि कैसे होंगे। जैसे पहले की सरकारों में एक तरफा फैसले होते थे, इस बार सारे काम, सारे काम ढीले पड़ जाएंगे, सारे काम ढीले पड़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स को छोड़कर, इंटरनेशनल रिलेशन को छोड़कर बाकी सब जगहों पर काम धीरे पड़ जाएगा। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि इस बार बड़े फैसले लिए जाएंगे, वो क्या हो सकते हैं? रावलपिंडी की चढ़ाई ऑप्शन है, अब ये देखना है कि क्या कर्म करने की नीति और नियत है। अब ये देखना है कि आप शुक्राचार्य के आदर्शों का अनुसरण कर पाते हैं या नहीं, रहते गुरु शुक्राचार्य परम शैव। अब ये देखना है कि आप शंकराचार्य के विरुद्ध हैं या शंकराचार्य के साथ हैं, बीच का तो कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल, या तो इधर हैं आप या उधर हैं। आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य कैसा होगा अगले 8 से 10 महीनों का आपने पूरी तरीके से बता दिया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन अगले 5 साल की हम देखें खास करके, तो मोदी का भविष्य किस तरीके का नजर आता है? व्यक्तिगत भविष्य क्या होगा, क्या आगे वो कैसे कदम उठा सकते हैं, क्या 5 साल से पहले वो अपने सक्सेसर की भी घोषणा कर सकते हैं, क्या हो सकता है? सक्सेसर की घोषणा करने की अभी आवश्यकता नहीं है, यह विषय जो है ये 2026 तक इंतजार कर सकता है। श्रीमान मोदी जी यहाँ पर साहसिक निर्णय उठाएंगे, ऐसी हमें आशा है, ऐसी हमारी माँ से इच्छा है, ऐसे ही शुभ ज्योतिषीय संकेत भी हैं। अब वो कर्म नहीं करते तो खेद है, हमें ये कहना पड़ रहा है, ज्योतिषीय संकेत हैं कि वो राजनीतिक पतन को भोगेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री अब राजनीतिक तौर पर कमजोर होंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने यदि राजनीतिक तौर पर अब कमजोरी दिखाई तो पतन होगा। अब कमजोर अच्छा। नहीं हो सकते, अब जो भी परिस्थिति हो अब आपको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री और मजबूत दिखेंगे पहले की तुलना में आप? जी बिल्कुल, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की। हाँ, व्यक्तिगत बात यहाँ पे हो रही है। जी, जी, जी। और व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़े बदलाव, कुछ संकेत? व्यक्तिगत जीवन के ऊपर टिप्पणी करना शिष्टाचार नहीं होता, हम किसी राजनेता के व्यक्तिगत जीवन पे कभी टिप्पणी नहीं करते। सर, आपने देखा किस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का, जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल रहा, उसमें अब विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल में वो कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जिनको आने वाले दिनों में खूब सराहना मिलेगी? देखिए जी, एक तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने मेरे ख्याल ऊर्जा मंत्रालय संभाला है। हाँ, ऊर्जा और शहरी विकास, शहरी विकास भी है। एक रेल मंत्रालय से बहुत आशा है क्योंकि यातायात से संबंधित, जी जी जी, यातायात से संबंधित मंत्रालय है। इसी में जो शिपिंग आता है वो भी यातायात से संबंधित मंत्रालय है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आता है वो भी यातायात से संबंधित मंत्रालय। इनमें ज्योतिषीय संकेत विशेष कर से शुभ है, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें माननीय चौहान, शिवराज सिंह चौहान, जी जी जी, माननीय चौहान जी को जो एग्रीकल्चर मंत्रालय मिला है, ये मंत्रालय चुनौती होगी। इसमें एक संतोष ये है कि इसमें चौहान जी जैसा एक बड़ा चेहरा इस मंत्रालय के पीछे है, क्योंकि ये एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहेगा। जो हमारे मौसमी लक्षण है, आकाशीय लक्षण है, वो भी 2024 में अनुकूल नहीं होंगे, प्रतिकूल ही बने रहेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में तो चुनौतियां प्रस्तुत रहेंगे। जी जी बिल्कुल, इसमें अच्छी बात यह है कि इस मंत्रालय के पीछे बड़ा चेहरा है। तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें, मीडिया की निगाहें, देश की निगाहें उन पर है कि उनको क्या मिला और जब मिलने के बाद वो क्या करेंगे? माननीय यहाँ आप टिके रहें, कर्म निष्ठा से अपना कर्तव्य करें और अपने निजी जीवन में अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देकर रखें अगले 2 साल।
हमारी माँ से इच्छा है कि आपको यश मिले, आपको उन्नति मिले, अपने निजी जीवन में आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, ध्यान रखें। बिल्कुल, एक बार वही सवाल जो आप पहले टाल गए थे फिर से मैं पूछ लेता हूं, क्या किसी मध्यावधि चुनाव के संकेत मिल रहे हैं? क्या 2029 तक ये सरकार रहेगी? ये बड़ा सवाल है जो आप पहले मैंने टाल गए आपका थे, रावलपिंडी पे आपने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं आपको फिर से सीधा ही पूछ लेता हूँ। मैंने सवाल टाला नहीं, आप फिर से पूछ रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। प्रबल संकेत है, मध्य अवधि चुनाव के प्रबल संकेत हैं, फिर भी कितने साल? बहुत प्रबल संकेत हैं। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देखिए, कुछ दल हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनको क्यों हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है ना कि क्या सरकार की ओर से ही निर्णय लिया जाएगा मध्यावधि चुनाव के लिए, या जो सरकार को समर्थन मिला हुआ है वो पार्टियां इनका साथ छोड़ देंगी? मध्य अवधि चुनाव हुए तो तभी होंगे जब मोदी जी कहेंगे कि करा लेते। अच्छा, मतलब जब भाजपा चाहेगी तब होंगे। मध्य अवधि चुनाव तब होंगे जब मोदी जी कहेंगे कि अब करा लेते। मोदी 3.0 की सरकार में किन किन बड़ी उपलब्धियों की ओर देश बढ़ सकता है? 1947 में जब अंग्रेज गए थे तो भारत, भारतीयों को वहां द्वीप का नक्शा बनाकर गए थे कुछ। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही होगी इस नक्शे को बदल दिया गया। इसके अलावा सर किन क्षेत्रों में देश को सफलताएं मिलने जा रही हैं? यही एक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कोविड के बाद जो एक ट्रस्ट आया था वो अब थोड़ा स्टैग्नेट हो गया। हमें प्रत्यक्षवादी रहना चाहिए, आशावादी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंकित जी आप तो खुद ही ज्ञानी हैं, इतिहास साक्षी है। आशावादी चाटुकारों से साम्राज्य गिर गए। भाजपा तो एक राजनीतिक दल है, साम्राज्य तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो आशावादी चाटुकारिता से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमें प्रत्यक्षवादी बनना चाहिए। प्रत्यक्षवाद तो ये है कि अब ध्यान आप जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए आपको 2014 में जनादेश मिला था, जिसके लिए 1999 पर आप पर ध्यान गया था, जिसके लिए 2001-2 में आपने अपनी यात्रा आरंभ करी, उस पथ से जब आप थोड़े विमुख होने लगे सितंबर अक्टूबर 2019 और अगस्त 2081 के बाद, तो जनादेश के अंदर भी कमी आ गई। आप वापस अपने 2014-19 और 2001 से 2008-9 तक का जो समय था उस पर चले, आगे आपको यश भी मिलेगा, आप उत्तरोत्तर उन्नति भी करेंगे, आप भारत के सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। पर अब कर्म करना पड़ेगा, अब ऑप्शंस नहीं। क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए? कम से कम 99 अपने दम पर और बाद में एक दो लोग और जुड़ गए हैं उससे, तो 3 डिजिट्स में 3 इलेक्शंस के बाद वो पहुंच रही है। आपको अंकित जी याद होगा हमारे पिछले शो में आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, और उस प्रश्न में मैंने आपको कहा था कि आपके प्रश्न में ही कुछ उपकरण छुपा है जिससे ये संकेत मिलते हैं कि 2-3 महीने मतलब फरवरी मार्च 2024 से श्रीमान राहुल गांधी जी अपनी निजी राजनीति के लिए जो अच्छा है वो करने लग गए हैं, वो सही दिशा में चल रहे हैं। आपको याद होगा ये, तो उसका हमने परिणाम भी आते हुए देखा। परंतु यहाँ पे यदि हम राहुल गांधी जी की कुंडली को देखें तो ये मैक्सिमम पॉलिटिकल ग्रोथ है, इससे ज्यादा पॉलिटिकल ग्रोथ के संकेत नहीं है। अभी भी कांग्रेस को अच्छे दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्या पता इंतजार चलता ही रहे। अच्छा, राहुल गांधी के लिए भविष्य क्या कहता है? राहुल गांधी और मजबूत होंगे क्या? राहुल गांधी के लिए जो पहले की चुनौतियां थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं? नहीं जी, आने वाले समय में अशुभ संकेत है। इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग में श्रीमान राहुल गांधी जी की कुंडली के ऊपर जो विश्लेषण दिया गया है उसमें श्रीमान राहुल गांधी जी के संदर्भ में कहा गया है कि अगस्त सितंबर आते आते उनके जीवन में एक
अशुभ वातावरण का निर्माण होगा। इसी पंचांग के अंक में कहा गया था कि जून जुलाई में ये अपने जीवन के एक नवीन विशेष पड़ाव में आ जाएंगे, वो ये आ गए। अब आगे चलकर समय अशुभ है, इसमें और उन्नति नहीं देखने को मिलती। जून जुलाई 2024 ईस्वी में श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो राजनीतिक उन्नति देखी है, ये इन वे ग्लासी राजनीति। सर, हमने राहुल गांधी की बात कर ली, अब उनकी बहन जो प्रियंका गांधी है उनकी भी खूब चर्चा हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब प्रियंका गांधी सीधे तौर पर चुनावी दंगल में उतरेगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे, वायनाड छोड़ सकते हैं। तो वायनाड से क्या प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में उतरने वाली है, और प्रियंका गांधी का आगे का सियासी भविष्य कैसा होगा? देखिए जी, अंकित जी, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जहां तक मेरा नॉलेज है, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ। ना राज्यसभा का, ना लोकसभा का, ना विधानसभा का, ना लोकल बॉडीज का। और कांग्रेस भी विदाउट पोर्टफोलियो है वो। जी जी जी, जब एक राजनेता कोई राजनीतिक जिम्मेदारी या पद संभालते हैं या उस रेस में आते हैं, तो ज्योतिषीय निर्देश ये है, ऋषि निर्देश ये है कि उनका जीवन व्यक्तिगत नहीं रहता, सार्वजनिक बन जाता है। तब देवज्ञों को, ज्योतिषियों को उनकी कुंडली पे सार्वजनिक एनालिसिस या टिप्पणी करने की अनुमति होती है। देखिए अंकित जी, जहां तक मुझे ज्ञान है, श्रीमती माननीय प्रियंका गांधी जी ने कभी किसी विधानसभा, लोकसभा या लोकल बॉडी का चुनाव नहीं लड़ा, तो उनकी कुंडली के ऊपर सार्वजनिक टिप्पणी करने का अधिकार किसी ज्योतिषी या देवज्ञ को। लेकिन सर, वो प्रचार तो करती है ना, वो प्रचार करती है। आपने भी कई बार कहा है कि कांग्रेस को वो अब जीवित कर सकती है, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है, जब तक वो खुद राजनीति में नहीं आती तब तक हम उनकी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। हाँ। परंतु क्योंकि उनकी माननीय माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्रीमान राहुल गांधी जी राजनीति में हैं, और वो उनका समर्थन करती हैं, रैलीज करती हैं, तो राहुल गांधी जी की कुंडली से जो बहन का भाव है उसको हम देखकर विश्लेषण कर सकते हैं, और सोनिया गांधी जी की कुंडली में जो पुत्री भाव है उसको देखकर हम सोनिया गांधी जी की कुंडली से विश्लेषण कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की कुंडली से यदि प्रियंका गांधी जी के जीवन का अनुमान लगाया जाए तो आगे राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ जाएगी। एकाएक राजनीतिक हलचल उनके जीवन में होती भी दिखेगी और थोड़े उन्नति के भी आसार दिख रहे हैं। आप ये मेरा पॉइंट समझ गए? ये प्रियंका गांधी जी की कुंडली नहीं है, बिल्कुल, ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की कुंडली। बिल्कुल समझ गया सर। अब सर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं, जहां से इस बार भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जिन लोगों ने भाजपा को झटका दिया है उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में हम बात करते हैं, और सवाल यही है, ममता बैनर्जी और अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार, प्रज्ञा अपराध हुए जिसके कारण कुछ ऐसा 4 जुलाई को नतीजा आया, 4 जून को सॉरी। पश्चिम बंगाल में पिछले 1-2 वर्षों में कम से कम, जो मेरा समझ है, कम से कम 3 ऐसे अवसर आए थे जब केंद्र सरकार को अपना राजदंड का प्रयोग करके कर्म करना चाहिए था, पर उन कर्मों का अभाव आया। यदि वो हो गए होते तो आज कहानी कुछ और होती। अब मैं सुश्री ममता बनर्जी के जीवन पर, राजनीतिक जीवन पे कुछ ज्योतिषीय टिप्पणी जो इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग में प्रस्तुत है आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी की कुंडली में शनि उच्च अवस्था में केंद्र स्थान में बैठा है, गुरु भी कर्कस्थ है। मार्च से अगस्त 2024 ईस्वी तक का समय सुश्री ममता जी के लिए शुभ है। लोकसभा चुनाव भी संभवतः इसी अवधि में होने, हमने अनुमान लगाया था यही हुए। अगस्त 2024 ईस्वी आते आते जन लोकप्रियता एवं यश की हानि के योगा योग प्रकट होंगे। स्वास्थ्य पीड़ा एवं मानसिक चिंता के भी अशुभ संकेत मिल रहे हैं। सुश्री ममता बनर्जी उचित चिकित्सीय और ज्योतिषीय परामर्श से आरोग्य प्राप्त करें, ऐसी हमारी आशा है। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 ईस्वी तक का समय राजनीतिक तनाव और असमंजस्य के संकेत दे रहा है। इसके बाद मैं आना चाहूंगा श्रीमान अखिलेश यादव जी के राजनीतिक जीवन पे, ज्योतिषीय विश्लेषण पर।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रीमान अखिलेश यादव जी का जन्म कन्या लग्न में हुआ है। चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और गुरु चतुर्थ भाव में रहता है। संवत आरंभ में श्रीमान अखिलेश यादव जी तनावपूर्ण स्थिति में प्रवेश करेंगे। संवत आरंभ था मार्च अप्रैल, जून से सितंबर 2024 ईस्वी के मध्य आंशिक शुभ योग है, जिसके कारण अल्पकाल के लिए हर्ष अनुभव होगा। सितंबर से नवंबर 2024 ईस्वी का समय कष्टपूर्ण लगता है, जन लोकप्रियता में कमी आएगी, पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर मुखर हो सकते हैं। इस समय अवधि में हाथी साइकिल पर भारी पड़ सकता है। ध्यान दें कि ये पंचांग प्रकाशित हुआ था जनवरी फरवरी में, तभी चुनाव आयोग ने ये तारीखें नहीं निकाली। अब इसको इसमें श्रीमान अखिलेश जी, सुश्री ममता बनर्जी, श्रीमान मोदी जी, श्रीमान अमित शाह जी, इन सबके अगले अगर हम 8, 9, 10, 11 महीनों को एक साथ देखें तो एक कहानी सामने प्रस्तुत होगी। उस कहानी पे थोड़ा कर्म करना पड़ेगा। अब हम इस साल के और भी राजनीतिक उथल पुथल के बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो हो गए लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि 2024 में और बड़े राजनीतिक उथल पुथल क्या हो सकते हैं, या फिर ये साल अब सही दिशा में केंद्र सरकार के हिसाब से देखें तो रफ्तार पकड़ सकता है। दो अलग अलग प्रश्न है आपके। तो पहला, इसमें जो आगामी विधानसभा चुनाव है अंकित, इनपे अभी मैंने विश्लेषण नहीं किया है, तो इनके ऊपर मैं कोई ज्योतिषीय टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि के जो विधानसभा चुनाव, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल कुछ होने की संभावना है देश में और इस साल इन विधानसभा चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त। ओ जी, बड़ा रोलर कोस्टर, अब तो हर 10 दिन में नई लगेगा। इंडिया गठबंधन टूट गया, जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग हो गए, तो इंडिया गठबंधन में या एनडीए में कोई राजनीतिक उठापटक? पिछले वर्ष के, गत वर्ष के विश्व विजय प्रचार में कहा गया था कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के कारण इंडिया गठबंधन बनेगा और इन्हीं के कारण ये टूट जाएगा, तो वो हो गया। यहाँ पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जीवन तो अब अंधकार में ही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे समाप्ति की ओर चली जाएगी, गायब हो जाएगी, याद ही नहीं रहेगा, आई और गई, भूल जाएंगे लोग इसे। और विधानसभा चुनावों पे मैंने अभी विश्लेषण नहीं किया है। देश भर का राजनीतिक वातावरण अब गर्म ही रहेगा। इसमें भाजपा के जो कुछ घटक दल हैं महाराष्ट्र से, भाजपा के एनडीए के जो घटक दल हैं महाराष्ट्र से, ये गड़बड़ कर देंगे। ठीक है जी, बोलिए। नई सरकार बन गई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत मिल जाए, तो ऐसे में क्या ये सरकार इस दिशा में काम करेगी? क्या महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो देश संघर्ष कर रहा है उसमें कमी आएगी? सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी, नतीजे नहीं आएंगे, तो रोष बना रहेगा, रोष उत्तर उत्तर बलवती होता रहेगा। ठीक है, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी रहेगी? और हमने देखा है किस तरीके से कई बार सामाजिक जो सद्भाव है उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक करवाहट भी देखने को मिल जाती है जब आपसी सद्भाव समाज में बिगड़ता है। तो कानून व्यवस्था फिलहाल आने वाले समय में कैसी रहने वाली है देश की, और क्या किसी राज्य में ज्यादा कानून व्यवस्था की अस्थिरता दिखाई दे रही है? जी अंकित, हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था। अब हम उस समय में आ चुके हैं जहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। यहाँ पर हम सब भारतीयों को समझना चाहिए कि जाति, भाषा, रंग, क्लास कुछ नहीं होता, समाज है, राष्ट्र है, तो आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है। चुनाव हो गए, हर 5 साल में होते हैं चुनाव, जब होता है तो एक वातावरण बनता है, हो गया, नतीजे आ गए, सरकार बन गई। अब सरकार को सरकार चलाने दें और हम सब जो भारतीय हैं आपस में भाईचारा बनाए रखें, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन के लिए चुनौती उत्पन्न ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पर आने वाले समय में प्रशासन के लिए सामाजिक व्यवस्था में सौहार्द्य और एक स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी बनाए रखना चैलेंज होगा। जो असामाजिक तत्व हैं वो जगह जगह, समय समय पर, मैं निकट समय की ही बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा, सामाजिक वातावरण बदले,
बिगड़े, हिंसक गतिविधियां हो, आतंकवादी गतिविधियां हो, ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो अब समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल सर, हम जब आपसे ये बातें कर रहे हैं उस समय एक चीज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है, वो है रईसी डिस्ट्रिक्ट में जो आतंकवादी हमला हुआ है। जाहिर सी बात है कि आतंकवादी हमला देश पे होता है तो लोगों में नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, तो ऐसे में क्या आतंकवादी घटना आने वाले समय में भी बढ़ सकते हैं? क्योंकि जबरदस्त तरीके से हमने देखा कैसे 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई, तो क्या आने वाले समय में कुछ इसके आसार दिखाई दे रहे हैं? जी, आने वाले समय में ऐसे अशुभ घटनाक्रमों की संभावना अत्याधिक है, ये भी उत्तर उत्तर आगे समय में हम जैसे जाते जाएंगे बढ़ती ही जाएगी। समाधान एक ही है, अब उसके अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है। या तो आप इस समाधान को अवेल करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आप इस समाधान को अवेल करते हैं तो आप यश को प्राप्त करेंगे, लंबे अरसे तक राजनीतिक पारी खेलेंगे। यदि आप इस समाधान को अवेल नहीं करते हैं तो कर्म तो कर्म फल तो जो समय का चक्र है निष्ठुर है, उसमें कोई इमोशन नहीं होता। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस सर, इनकी राजनीति क्या होने वाली, इनका भविष्य कैसा होने वाला है? इनकी राजनीतिक भविष्य में उन्नति के संकेत हैं, केंद्र राजनीति में भी इनका योगदान बढ़ सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति में भी देवेंद्र फडणवीस अब एक आगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दृश्य उत्तर होंगे। प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं सर, 2027 की राह जी आसान नहीं रहने वाली, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी ऐसे में योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? कहा जा रहा है कि उनको कमजोर करने के लिए इस तरीके के नतीजे आए हैं, उनको कमजोर करने के लिए साजिश की गई है, तो वाकई कोई साजिश के शिकार हुए हैं योगी आदित्यनाथ, या उनके लिए अभी मुश्किल घड़ियां चल रही हैं और उनका भविष्य कैसा रह सकता है? देखिए जी, योगी आदित्यनाथ जी, एक तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, अकेडमिक पॉइंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कुंडली का लोग ज्योतिषीय अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अकेडमिक टॉपिक भी होता है। जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, लार्जर देन लाइफ व्यक्ति होते हैं, राजनेता होते हैं, उनकी कुंडली एक अकेडमिकली एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है डिस्कस करने के लिए। ध्यान दें कि वो मठाधीश भी है, सन्यासी भी है। सन्यासियों की कुंडली जिस तरह से बांची जाती है, प्रोटोकॉल थोड़ा सा भिन्न है। उसको मैंने देखा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा भूल जाते हैं, वो सन्यासी भी हैं। ध्यान देंगे उनकी कुंडली को वाचने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि वो महंत है, पीठाधीश भी है। अब उनकी यदि हम जो उपलब्ध जन्म सूचना है उसके ऊपर हम ग्रहों का अध्ययन करें तो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी का तो अच्छा खासा ग्रोथ है। ये उत्तर प्रदेश का जन लोकप्रिय चेहरा बने रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीटों का लॉस हुआ जी, एक तो देखिए सीधी सी बात है, इनकम्बेंसी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड राज्य है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। इतने लंबे समय से 2014 से लगातार भाजपा वेव चली आ रही है, उसमें इनकम्बेंसी आनी थी। इसको हम डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ जी या उनकी परफॉर्मेंस से एसोसिएट नहीं कर सकते। ये तो 10 साल की केंद्र सरकार की इनकम्बेंसी है जो उत्तर प्रदेश में दिखी। ठीक, फिर आपने प्रश्न पूछा साजिश का, राजनीति तो गेम ही साजिश का है। यदि साजिशों से डर लगता है तो राजनीति ना करें। राजनीति में आना है तो रोज 4 बार साजिशें होंगी, ऐसे ही चलेगा। आप इसे इनकार नहीं कर रहे हैं मतलब? बिल्कुल भी नहीं कर रहे जी, हमें तो ज्योतिषीय संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक तो है सर, गलत मार्गदर्शन हुआ किसी का। महाराष्ट्र में भी गड़बड़ हुआ है सर, देवेंद्र फडणवीस वहां भी कमजोर दिखाई दिए जब चुनावी नतीजे आए तो क्या महाराष्ट्र में राजनीतिक उठक पटक की संभावना है? क्योंकि खबर ये भी है कि एनसीपी के जो विधायक हैं वापस शरद पवार के पास जाने को तैयार हैं, शिवसेना वाले भी कई ऐसे हैं जो नाराजगी जता रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई उठा पटक के संकेत महाराष्ट्र को लेकर मिल रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों में? देखिए जी, महाराष्ट्र में गलती कब हुई? श्रीमान अजीत पवार जी जब इस गुट में आए तभी गलती हो गई थी, वही गलती थी बस। उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता था, सीटें वहां पे चली गई थी। उसी गलती का आगे चल के हम निवारण हुए। आप समझ गए होंगे, भाजपा हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कहने का तात्पर्य बिल्कुल क्या। बिल्कुल
भाजपा के लिए इस चुनाव में दक्षिण भारत से क्या संकेत मिले और आगे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं सर? 10 साल और इंतजार करें, यही संकेत है और इसे मान लीजिए, प्रत्यक्षवादी बनना पड़ता है। अच्छा हुआ केरला से एक सीट आ गई, उन्हें मंत्रालय मिल गया, मेरा कोटि कोटि अभिनंदन आपको। तमिलनाडु में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो गई, ये जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुई है तमिलनाडु में, इसका श्रेय जाता है भाजपा को, संघ को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक टेम्पल रन किया, सेनेगल की स्थापना हुई, दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का एक जो सुंदर संगम है जो सदियों से चला आ रहा है उसके ऊपर जोर दिया, ये क्रेडिट जाता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, संगठन को, संघ को, भाजपा को, और किसी को नहीं जाता। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल और ऐड कर रहा हूं सर कि जेपी नड्डा मंत्री बन गए हैं, ऐसे में बीजेपी में एक पद एक उम्मीदवार का जो फॉर्मूला है, ऐसे में अध्यक्ष पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा, किसकी बारी आ सकती है, क्या संभावनाएं बन रही हैं? क्योंकि शुक्राचार्य के आदर्शों पे चलने वाला वर्ष है, तो कोई महिला राजनेता इस पद को संभाले तो इसमें ग्रह कृपा अच्छी आएगी। वो महिला राजनेता कौन है कौन नहीं है, इसके लिए जो अवेलेबल ऑप्शन है उनकी कुंडली को वाचना पड़ेगा, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। पर कोई महिला राजनेता इस पद को संभाले, ऐसे संकेत ज्यादा शुभ है। ज्योतिष में होता है ना अंकित जी की एडवाइजेबल है, जैसे हम आपको एडवाइस करेंगे कि अंकित इस टाइम पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लक्ष्य स्टैग्नेशन है और जून 2024 के बाद शुभ योग बनेंगे प्रमोशन के, या फिर शुभ योग मिलेंगे जॉब चेंज करने के, यहाँ पे आप कर्म करें। उस प्रकार से संकेत है कि कोई महिला राजनेता यहाँ पर भाजपा की कमान संभालती है तो शुभ योग आएंगे, समक्ष प्रस्तुत होंगे, कोई मात्र चले गई तो मटर्नल सा फिगर एक। सर अब थोड़ा सा मौसम की ओर रुख करते हैं क्योंकि हमेशा हम अपने कार्यक्रम में मौसम से संबंधित सवाल जरूर लेते हैं, ऐसे में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में है, आप हिमाचल में बैठे हुए हैं आपको भी गर्मी लग रही है सर, तो ऐसे में इस बार जो गर्मी है वो किन वजहों से है, इससे कब तक राहत मिल सकती है और क्या देश में बाढ़ और भूस्खलन जिस प्रकार हमने देखा पिछले समय हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो क्या इसकी भी कोई आशंकाएं दिखाई दे रही हैं? देखिए अंकित, इसका कारण क्या है, अल्नीनो ईयर है, जियोलॉजिस्ट तो ये कह देंगे अल्नीनो साइकिल चल रहा है इसलिए इतनी प्रचंड गर्मी है, बिगड़े चाल है मौसम के। ज्योतिष में अगर हम देखें तो पूरी मानव जाति से प्रज्ञा अपराध पे प्रज्ञा अपराध पे प्रज्ञा अपराध होते जा रहा है। 2020 में चेतावनी आई, 21 में चेतावनी आई, 22 में युद्धाग्नि आई तब चेतावनी आई, 23 में चेतावनी आई, हम तो सुधर ही नहीं रहे हैं। जब तक हम माँ प्रकृति के बनाए नियमों को समझेंगे नहीं और उनके आगे आत्मसमर्पण करके उनके अनुकूल चलना नहीं सीखेंगे, ये ग्रहों की बिगड़ी चाल जो मौसम को बिगाड़ती जा रही है आगे भी बिगाड़ती ही जाएगी। मॉनसून के शुरुआती कुछ दिन 10-15 दिन उत्तर भारत में अति तीव्र अति प्रचंड दिखाई देते हैं, जिसमें भूस्खलन बाढ़ आदि का खतरा बना रहेगा। कुछ विशेष तिथियां हैं जिनका पंचांग में इस वर्ष के पंचांग में हमने उल्लेख किया है, इसमें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इत्यादि के जो प्रशासन है राज्य सरकारें हैं इन्हें भी सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। और इसके बाद 10 से 12 दिन मानसून नॉर्मल होती है और उसके बाद बिल्कुल सूखा सा पड़ जाता है, बिल्कुल बहुत डेफिसिट रेनफॉल आती है, तो ये पैटर्न तो पूरे बिगड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी शुभ संकेत अवेलेबल नहीं है मौसम के संदर्भ में, इसी में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसी समय अवधि में जिसमें अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नंदा देवी श्रृंखला के आसपास या काराकोरम श्रृंखला के आसपास पर्वत श्रृंखला के आसपास बड़े विनाशकारी भूकंप की भी बहुत प्रबल संभावना है, तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ इत्यादि जो संस्थानें होती हैं इनके जो ड्राई रन या मॉक ड्रिल क्या कहते हैं उसको, मॉक ड्रिल्स वगैरह वो सब कराकर रखने चाहिए, क्योंकि अशुभ संकेत हैं, प्रकृति की अति विनाशकारी लीला यहाँ देखने को प्रस्तुत हो सकती है। बिल्कुल, ये कहने में कुछ अच्छा नहीं लगता अंकित, मैं तो हिमाचल का निवासी हूँ, पूरा जीवन ही हमारा यहाँ है, पर क्या करें। सर अब हम थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय रुख करते हैं और चूंकि देश में नई सरकार बनी है, मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो बड़ा सवाल यही कि पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका से भारत के रिश्ते कैसे होंगे नई सरकार में? देखिए जी,
2022 में, 2022 के लिए 2021 में श्री विश्वविजय पंचाल ने कहा था कि रूसी सैन्य गर्जना से विश्व परिदृश्य बदल जाएगा। 2022 में श्री विश्वविजय पंचाल ने कहा था इसराइल के लिए कि 2023 सितंबर अक्टूबर में इसराइल की प्रचंड सैन्य कार्रवाई से विश्व पटल पे हलचल मच जाएगी। अब इस वर्ष ये सौभाग्य आ रहा है, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारे कारण विश्व पटल में खलबली मच जाएगी। हमारे जो मित्र राष्ट्रों से इधर उधर जो हमारे बैठे हैं, ये मित्र राष्ट्र हैं, इनके साथ हमारे संबंध क्या हैं, इसकी गूंज तो अब अमरीकी चुनावों में भी सुनाई देगी। जो संबंध चीन के भारत के साथ चले आ रहे हैं वैसे ही चले आएंगे, पीठ पे चूरा भोंकता रहेगा। पाकिस्तान कभी भी अपना शत्रुतापूर्ण रुख भारत के साथ नहीं बदलेगा। हम किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गिरा नहीं सकते, अंतरराष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को कभी भी हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। चीन समय समय पर पाकिस्तान को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन देता रहेगा, इसी श्रृंखला को आगे नहीं रोका गया तो 2027-28 में पाकिस्तान की कुंडली में विशेष शुभ योग शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का सैन्य पराभव या किसी भी और तरह का संभव नहीं है, जो करना है अब कर देना है, वरना अब नहीं हो पाएगा। तो संबंध तो हमारे अपने पड़ोसी राष्ट्रों या फिर दूर के जो राष्ट्र हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, इनके साथ बड़े विचित्र हो जाएंगे। इस वर्ष के पंचांग में ये भी कहा गया था कि भारत और अमेरिका के संबंध एक अति विशिष्ट पड़ाव पर पहुंचेंगे। हम उस अति विशिष्ट पड़ाव पर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब हम आपके फेवरेट टॉपिक पे आते हैं सर, पीओके। क्या कार्रवाई के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं? क्या पीओके के भारत में मिलने के कोई संकेत मिल रहे हैं? ज्योतिषीय संकेत प्रबल हैं। भारतीय सेनाओं को आतंकवाद का नाश करने के लिए पीओके में प्रचंड कार्रवाई कर देनी चाहिए। समय आ गया है, अब समय नष्ट ना करें। वखान कॉरिडोर पर दबदबा स्थापित करें। वखान कॉरिडोर पे जब दबदबा स्थापित होगा तो पाकिस्तान स्वतः विघटन की ओर चला जाएगा और भारत के प्रति अपना शत्रुता भाव त्याग देगा। इसके अतिरिक्त तो और कोई समाधान अब उपलब्ध नहीं है। इसी श्रृंखला में चीन भी हमसे सैन्य हाथापाई कर सकता है। यदि चीन के साथ सैन्य हाथापाई हुई तो विजय श्री हमें ही मिलेगी। प्रचंड कार्रवाई करें। भारतीय सेनाओं के लिए समय आ गया है जब वो सीमा उल्लंघन कर शत्रु दमन के लिए अग्निवर्षा करें। बिल्कुल, इसराइल हमास को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि ऐसी संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं कि अब ये लड़ाई रुक भी सकता है। क्या इस ओर दोनों ओर से बढ़ने की कोशिश हो रही है? हमास का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा, पूर्णतः खात्मा होगा। उसके बाद इस फ्रंट पे ये युद्ध रुकेगा। गाजा एक टेंट सिटी बन जाएगा, एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंपस बन जाएगा। इससे पहले कि सेवन स्टार्स इंटरनेशनल सिटी होता था, जो इंटरनेशनल एड पे लग्जूरियस लाइफ चल रही थी यहाँ पे दशकों से, अब ये टेंट सिटी बनेगा। यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या पलायन को भोगेगी, कुछ इजिप्ट की तरफ ही जाएगी, जिसके कारण इजिप्ट पर भी अब कालचक्र का डंडा पड़ना आरंभ होगा। बाकी बची कुची जो पॉपुलेशन है वो वहीं पे अब टेंट सिटी में एक बहुत बड़े रेफ्यूजी कैंप की तरह रहेगी। कुछ समय आगे जाने के बाद इसी संवत में इसराइल अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी उत्तर दिशा में युद्ध का आह्वान करेगा। इसी के साथ साथ टाइम लाइन पे ज्यादा मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, इसी के आसपास लेट्स से साथ साथ भी नहीं आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध का आह्वान करेगा। हमें भी अस्त्र गर्जना कर देनी चाहिए। बिल्कुल, अमेरिकी चुनाव में क्या होगा सर? श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी के परिवार को ही जन लोकप्रियता मिलेगी। जो बाइडेन नहीं जी, उनको जन लोकप्रियता मिलना संकेत नहीं मिल रहा। देखिए अंकित, हम एक सामान्य नागरिक हैं। हम सब अपना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपना नागरिक कर्तव्य पूरा कर पाए। हमारे कुछ विश्लेषण होते हैं ज्योतिषीय, जो हम समय समय पे कभी आपके माध्यम से, कभी पंचांग के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये विश्लेषण कहाँ तक पहुंच पाते हैं ये हमें नहीं पता। क्या लीडरशिप कभी ज्योतिष
ज्योतिषीय विश्लेषण पे ध्यान भी देती है या नहीं देती, हमें नहीं पता। हम तो केवल अपना कर्म करते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक आशा करता हूँ कि शायद सौभाग्य हो आपका और मेरा कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन पर ये संदेश पहुंच पाए, शायद वो कभी इसको सुन पाए, ये सौभाग्य हो हमारा। देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें मैं हमारे NSA माननीय श्री अजीत डोभाल जी को भी मानता हूँ, ज्योतिष के संदर्भ में उनका जो पद है वो गुरु की तरह, राजगुरु की तरह आता है। फिर हम उम्र में देखें, ज्योतिष में ना एज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पद से भी ज्यादा एज महत्वपूर्ण होती है, आयु में भी वो सबसे बड़े हैं। अब ये समय आ गया है जब हमें परशुराम वाद पर जाना होगा। अभी तक जो हुआ उसका आकलन करें, ना तो वहां आशावादी होने की आवश्यकता है ना निराशावादी होने की आवश्यकता है। केवल प्रत्यक्षवादी बने, भगवान परशुराम का स्मरण करें और अब जो करना है अब आप कर दें। आप जिस लिए आए हैं, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, अब उसका आप निर्वाह कर दें। समय का चक्र घूमता रहता है, ये कभी एक तरह नहीं रहता। अब समय का पहिया घूम जाएगा, समय थोड़ा ही है, जो करना है अब आप कर दें। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम समय चक्र। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहें रोहितास त्रिवेदी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।